इंडीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो गया है। असद शफीक, राहत अली और मोहम्मद रिजवान को टीम से निकाल दिया गया है, जबकि उनकी जगह नए लड़के शादाब खान, फखर जमा को टीम में शामिल किया गया है। फखर जमा और शादाब खान से सिलेक्टर्स को बल्कि पूरी कौम को बहुत सारी तवक्कुआत हैं और उनका बनता था कि उन्हें मौका दिया जाता। इंजमाम रखने से वाले से बहुत बेहतरीन फैसला किया कि उन्हें फिलफौर टीम में ले आए, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक नए लड़कों को मौका नहीं दिया जाएगा टीम आगे नहीं बढ़ सकती। एक हैरानकुन फैसला मोहम्मद हफीज को दोनों फॉर्मेट्स में शामिल करने का किया गया है। ये बड़ा अजीब फैसला हुआ है क्योंकि मोहम्मद हफीज की अब टीम में जगह बनती नजर आती नहीं है। शोएब मलिक पहले से टीम में मौजूद है, ऑफ स्पिनर है, मोहम्मद हफीज भी ऑफ स्पिनर है और साथ में अमाद वसीम है, मोहम्मद असगर को भी सिलेक्ट किया गया है। T20 में मोहम्मद नवाज उनकी जगह शामिल किए गए हैं, शादाब खान भी स्पिनर है। तो ये थोड़ा अजीब सा फैसला लगता है क्योंकि दोनों में से एक ही खेल सकेगा। अमाद वसीम अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं टीम में, एंड पे वो ठीक है, इसलिए हाँ एक हो सकता है मोहम्मद हफीज को कोशिश की जा सकती, ट्राई किया जा सकता है उन्हें आखिरी नंबर पे शायद थोड़ा सा तेज खेलने के लिए। फहीम अशरफ को शामिल किया है टीम में, फहीम अशरफ की टीम में जगह जरूर बनती है क्योंकि डोमेस्टिक में वो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, सीम बॉलर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तान को इस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत भी है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि उनकी जगह आमिर यामीन को, जो इससे पहले हकदार हैं और लंबे अरसे से टीम के दरवाजे पे दस्तक भी दे रहे हैं और मुनासिब मौका दिए बगैर टीम से निकाले भी गए, उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाता। 33 साल आसिफ जाकर को शामिल किया गया टीम में, हालांकि हमारे पास उनसे बेहतर आसिफ जाकर कोई इसमें शक नहीं है कि वो मुनासिब कारकर्दगी दिखा के टीम में आए, लेकिन उनसे भी बहुत बेहतर चॉइस हमारे पास उस्मान सलाहुद्दीन की सूरत में मौजूद थी, जिनका हक बनता था कि उन्हें टीम में खिलाया जाता, क्योंकि उस्मान सलाहुद्दीन को 26 साल उनकी उम्र है और उन्हें कभी भी मुनासिब मौका नहीं दिया गया और हमेशा से पिछले कई सालों से वो डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा उमर अकमल जो है वो मुनासिब हो गया क्योंकि उन्हें ड्रॉप करना बनता था, उनकी फिटनेस इस काबिल नहीं थी कि उन्हें टीम में खिलाया जाता और उमर अकमल मसलसल अपने टैलेंट के साथ ज्यादती भी करते नजर आए हैं। इसके अलावा एक और जो हैरान कुन किस्म की हम कह सकते हैं एक्सक्लूजन टीम से हुआ है वो सुहेल खान का हुआ है। सुहेल खान जो है उन्होंने सबसे ज्यादा मतलब विकटें ली हैं PSL में और PSL पाकिस्तान का टॉप ग्रेड, अब जाहिर सी बात है।